वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ योर सिविक्स क्लास, क्लास 7, चैप्टर 1, पार्ट 2। योर टुडेस चैप्टर नेम इज़ इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। अपार्ट फ्रॉम बींग पुअर, people in India experience inequality in different ways. Let us see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on real incidents in people's life and reflect the different kinds of inequality that exist in India. अन्य प्रकार की असमानताएं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका असर हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताएं पर प्रकाश डालती हैं। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, बट जस्ट लुक एट दिस मैट्रिमोनियल्स सोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू विल सी हाउ इम्पॉर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यू टू बी इन माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस। भारत में समानता प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटे आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते। परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। Now let us read a story about the experience of a Dalit child attending school. You have already read about Dalits in class 6 book. Dalit is a term that so-called lower caste used to address themselves. Dalit means broken, and by using this word, lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. Aiye अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जोथान ही राइट्स, आई हैड टू सीट अवे फ्रॉम द अदर्स इन क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। समटाइम्स आई वुड हैव टू सीट वे behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. When he was in class 4, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. He writes, the playground was very larger than my small physique could handle, and in cleaning it, my back began to ache. My face was covered with dust had inside my mouth. The other children in my class were studying and I was sweeping. Om Prakash Valmiki 1950-2013 एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं।
आपकी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंध से दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधान अध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर वाज सिटिंग इन हिज रूम एंड वाचिंग मी। आई वाज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। आई स्वीप्ड अ होल डे फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स। द आईज ऑफ द टीचर एंड द बॉयज सोज दिस स्पेक्टिकल। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, एंड दिस ओनली केम टू एन इन वेन हिज फादर, हु हैपन टू बी पासिंग बाई, सो हिज सन स्वीपिंग। ही कन्फ्रंटेड अ टीचर एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देन टू हियर, यू आर अ टीचर, सो आई एम लिविंग नाउ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, He will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him. हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप कर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश के से अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती थी, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, ये नहीं यही पड़ेगा इसी मदरसे में, और यूँ ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। सो यू सी हाउ इनइक्वलिटी एग्जिस्ट इन अर्बन इंडिया। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट स्टोरी इन नेक्स्ट वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट How inequality exists in another way in India. If you have any doubt, please let us know. We will try to clear your doubts in another video. अगर आपको कोई संदेह है तो कृपया करके हमें बताइए। हम अगले वीडियो में आपके संदेह को दूर करने का प्रयास करेंगे।